गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स अपन मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है डेसिमल डेसिमल को हिंदी बोलते हैं तो दशमलव और पॉइंट इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोडक्शन टू डेसिमल अपन पढ़ते हैं डेसिमल होता क्या है द वर्ड डेसिमल ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेकम बिच मीन्स टेंथ ये बोल रहा है कि जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है लैटिन वर्ड से जो क्या नाम है उसका डेकम इसका मीन्स क्या है टेंथ मतलब टेंथ ten. टेंथ क्या होता है आप देखो वैन बी डिवाइड वन होल इन टू टेन पार्ट्स ईच पार्ट इज वन अपॉइंट टेन और वन थे जब अपन किसी भी चीज़ को पुरी जा, पुरी जा, एक पूरी पूरा एक बॉक्स था उसको अपन ने टेन पार्ट में डिवाइड कर लिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन पार्ट में डिवाइड कर लिया उसको अपन क्या बोलेंगे वन अपॉइंट टेन और वन टेंथ बोलेंगे है ना दस वन ट वन वन इक्वल टेन टेंथ वी कैन आल्सो राइट एज एट जीरो पॉइंट वन इन विच द पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट विच वी रीड एट जीरो पॉइंट वन इसको अपन क्या बोलेंगे जीरो पॉइंट वन बोलेंगे और वन टेंथ और वन अपॉइंट टेंथ बोलेंगे ठीक है

ने बना one ten ऐसे भी टेन है और ऐसे भी ten है। अगर अपन ऐसे करें तो टेन तो तो बॉक्स है 100. इसका मतलब देखो इनको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया इधर भी टेन इधर भी टेन तो टेन का, 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 का कि हंड्रेड तो इसको अपन कैसे बोल सकते हैं वन हंड्रेड और वन अपॉइन हंड्रेड और अपन क्या बोलेंगे

अपन ने क्या देखा अभी हंड्रेड अपन हंड्रेड को भी टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें कितने पार्ट तो का टेन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना तो जाएगा वन थाउजेंड ठीक है तो यही बोल रहा है कि वन थाउजेंड टू जाएगा इसको अपन कैसे लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे और पढ़ेंगे कैसे जीरो पॉइंट जीरो जीरो फर्स्ट क्वेश्चन है शेड द स्क्वायर टू रिप्रेजेंट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन ये बोल रहा है कि जो स्क्वायर दिए हैं इनको आपको शेड करना है क्या करना है भरना है इनको फिल करना है शेडिंग करनी है तो देखो वन पॉइंट जीरो लिखा है वन अपॉन टेन वन अपॉन टेन मतलब पूरा फिल करना है आपको क्या करना है पूरा फिल करना है तो पेंसिल से में पूरे में आपको सेड कर देना जीरो पॉइंट सिक्सटी वन लिखा है इसका मतलब आपको सिक्सटी वन बॉक्सेस को सिक्सटी वन जो बॉक्सेस स्क्वायर छोटे उनको क्या करना है सेड करना है तो देखो मैंने सिक्सटी बॉक्सेस को सेड कर दी सिक्सटी वन बक्सेस को सेड कर दिया इसलिए लिखा है जीरो पॉइंट सेवेंटी थ्री इसका मतलब सेवेंटी थ्री बॉक्स को क्या करना है सेड करना है तो मैंने सेवेंटी थ्री बॉक्स को सेड कर दिया आपको भी ऐसी पेंसिल से फिल करना है सेकेंड क्वेश्चन है राइट द डेसिमल फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग ये बोल रहा है कि इनके लिए आपको क्या लिखना है डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है लिख देंगे देखो काउंट कर लेंगे कितने फ्रैक्शन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन ये हैं तो ये ये भी टेन वन टू थ्री है टेन टू थ्री कर देंगे तो जाएंगे थर्टी और ये थ्री तो थर्टी थ्री इसका मतलब आएगा जीरो पॉइंट थर्टी थ्री जैसे इसमें लिखा ना जीरो पॉइंट सिक्स वन सिक्स वन मतलब सिक्सटी वन सिक्स वन इसको क्या किए अपन ने शेड कर दिया ऐसे इसको अपन ने काउंट कर दिए लिख दिए ज़ीरो पॉइंट थ्री थ्री इसमें देखो ये पूरा है जैसे ये पूरा था ऐसे इस इसमें लिख दिया अपन ने वन पॉइंट जीरो जीरो ठीक है ऐसे इसमें इस देखेंगे अब ये देखो ये पूरा है तो वन लिख दिया फिर लगा दिया पॉइंट ये पूरा है इसलिए क्या लिख दिया वन फिर लगा दिया पॉइंट अब इसमें अपन ने कितने की सिर्फ थर्टी टू बॉक्सिस को पॉइंट कलर किया है इसलिए वन पॉइंट थ्री टू आ गया ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स ये बोल रहा है कि डेसीमल इनक वर्ड्स में लिखना है पहले लिखा है एट पॉइंट सिक्स फोर कुछ नहीं करना जो लिखा हुआ वैसे के वैसे अपन को नंबर में लिख देना है एट लिखा है लिख है, दिया बट इधर वाले को तो वही है लिखते हैं ऐसे इसको लिखेंगे जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया ठीक है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर इसको अपन देखेंगे नाइनटीन अब देखो तो डेसिमल के लेफ्ट साइड नंबर होते हैं उनको अपन हंड्रेड और थाउजेंड और नाइनटीन और ऐसे गिनते हैं बट इसके बाद वाले जो नंबर होते हैं पॉइंट वाले उनको अपन ऐसे नहीं गिनते उनको अपन अलग अलग लिखते हैं इनको अपन मिला मिला के लिखते हैं मिला मिला के लिख देंगे नाइन्टीन पॉइंट वन ज़ीरो थ्री ठीक है नाइनटीन पॉइंट वन जीरो थ्री ऐसे नेक्स्ट करेंगे जीरो पॉइंट वन फोर क्या लिखेंगे जीरो पॉइंट वन फोर फिर ऐसी नेक्स्ट वाला थ्री हंड्रेड ठीक है यहाँ पे क्या लिखा है थ्री हंड्रेड एट्टी फोर पॉइंट टू वन एट फाइव ठीक है थ्री हंड्रेड एट्टी फोर पॉइंट वन एट फाइव ने लिख दिया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राइट द न्यूरल जैसे अपन ने इसके लिए वर्ड्स लिखे इसको न्यूमेरल में लिखना है ये टू एंट्री टेंट पॉइंट मतलब थ्री आएगा वन पॉइंट थ्री एट सॉरी फाइव पॉइंट थ्री एट तो फाइव लगा दिए फाइव लिख दिया पॉइंट लिखा है तो पॉइंट लगा दिया थ्री लिखा है थ्री लिख दिया एट लिखा है तो एट लिख दिया पॉइंट जब बिंदी दिया ना इसको पॉइंट इसको डेसिमल मल पॉइंट भी बोलते हैं ठीक है वन पॉइंट सिक्स थ्री तो अपने वन पॉइंट थ्री लिख दिया फिर लिखा है फोर्टी फाइव पॉइंट थ्री फाइव तो लिख दिया फोर्टी फाइव पॉइंट थ्री फाइव ठीक है फिर कर दें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म इसको अपन को किसमें लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है लिख देंगे अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने से पहले अपन देखो इसकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं ये इसका डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट लेट अस प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल इसको अपन पढ़ते हैं सबसे पहले देखो होल नंबर पूरे नंबर ये डेसिमल है ये इसके लेफ्ट वाले नंबर है ये इसके राइट right वाले नंबर है डेसिमल के जो लेफ्ट में नंबर आएंगे जो इस तरफ नंबर आएंगे इस साइड में उसको अपन कैसे करेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड ठीक है तो वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड तो इस तरफ नंबर आएंगे उसको अपन उल्टा करेंगे कैसे टेंथ हंड्रेड थाउजेंड ठीक है जो डेसीमल के बाद में नंबर तो कैसे करेंगे टेंथ हंड्रेड थाउजेंड ऐसे करेंगे अपन ठीक है ना कैसे कि देखो ये है ठीक है तो ये अपन ने देख लिया तो इसका स्पेंडेड फॉर्म देखो कैसे लिखेंगे जिसे लिखा है फोर लिख के दिया फोर्टी सेवन पॉइंट सिक्स नाइन तो देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ है वन टेंस तो फोर किस पे कौन सी प्लेस पे टेंथ प्लेस पे सेवन किस प्लेस पे वंथ प्लेस पे सिक्स कौन सी प्लेस पे टेंथ प्लेस पे और नाइन्थ किस प्लेस पे हंड्रेड प्लेस पे तो कैसे लिखेंगे फोर इंटू टेन कितना जाएगा फोर्टी तो क्योंकि टेन प्लेस पे तो फोर इंटू टेन मतलब फोर्टी तो वन तो टेन इंटू वन इंट सेवन आ गया टेन क्यों आएगा बना 10? देखा कि टेंथ पे अपन क्या लिखते हैं अपॉन टेन लिखते हैं मतलब अपॉन टेन हंड्रेड प्लेस पे 100. मतलब वन अपॉन हंड्रेड मतलब नाइन अपॉन हंड्रेड तो ऐसे ही अपन इसको भी करेंगे देखो क्या लिखा है नाइनटीन पॉइंट फोर फाइव अब देखो डेसिमल के इधर वाले पार्ट को इस साइड वाले पार्ट को नाइनटीन को अपन कैसे करेंगे वन कौन सी प्लेस पे, सी प्लेस जो इधर साइड वाले नंबर इनको अपन इसमें कितनी वन अपन हंड वन अपॉन टेन में तो क्या जाएगा फोर अपॉन टेन प्लस फाइव अपॉन हंड्रेड और उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं वन पॉइंट जीरो एट फाइव अब देखो ये वन प्लेस पे इसको लिखेंगे जीरो को अपन काउंट नहीं जीरो को अपन लिखेंगे नहीं क्योंकि जीरो अपॉन हंड्रेड कोई मतलब नहीं होता एट को लिख देंगे एट अपॉन हंड्रेड क्यों टेंथ हंड्रेड थाउजेंड अब टेंथ प्लेस पे जीरो था तो उसको हटा दिए ना इसकी कौन सी प्लेस पे हंड्रेड प्लेस पर एट अपॉन हंड्रेड प्लस फाइव अपन थाउजेंड क्योंकि फाइव कौन सी प्लेस पे थाउजेंड प्लेस पे ऐसी इसमें किया नाइ नाइन कौन सी प्लेस पे टेंथ प्लेस पे तो नाइन टू कौन सी प्लेस पे वन प्लेस, ना, प्लेस, प्लेस पे तो 90. टू प्लस वन लगाया कौन सी प्लेस पे टेंथ प्लेस, तो प्लेस, प्लेस पे तो वन अपॉन टेंथ प्लस जीरो कौन सी प्लेस पे हंड्रेड प्लेस पे तो उसको लिखेंगे नहीं उसको छोड़ दिया क्योंकि जीरो कोई जी वैल्यू नहीं होती ठीक है प्लस लिखा अपन ने फाइव अव वन थाउजेंड फाइव वन थाउजेंड क्यों लिखा क्योंकि अपन फाइव कौन था। सी प्लस पे थाउजेंड प्लेस पे है इसलिए अपन ने फाइव वन थाउजेंड लिख दिया इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं देन ये देखो ये कौन सी प्लस पे इसको काउंट करें बन टेंस हंड्रेड मतलब सिक्स कौन सी प्लेस पे हंड्रेड प्लेस सिक्स हंड्रेड प्लस फिफ्टी टेंथ प्लेसली फिफ्टी वन प्लेस पे इसलिए वन फिर जीरो कोई वैल्यू नहीं होती इसी सेवन अव वन हंड्रेड क्योंकि सेवन हंड्रेड प्लेस पे और फाइव भी थाउजेंड प्लेस पे इसलिए फाइव वन थाउजेंड इसका नेक्स्ट है ऐसी इसकी भी सारी ऐसी ही करना है बस प्लेस लिखना है कौन सी प्लेस पे टेंथ प्लेस पे तो वन अपॉन टेंथ हंड्रेड प्लेस पे तो टू अपॉन हंड्रेड थाउजेंड प्लेस पे तो वन अपॉन थाउजेंड अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन राइट एज अ डेसिमल नंबर ये बोल रहा है कि इसको आपको किस में लिखना है डेसिमल नंबर में लिखना है लिख देंगे फर्स्ट क्वेश्चन है फोर प्लस सेवन अपॉन टेंथ मतलब फोर पॉइंट सेवन इस तरह पे हमें अपन टेंथ लिखा है तो फोर लिखेंगे पहले पॉइंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सेवन पॉइंट टेन लिखा है इसका मतलब ये पॉइंट के बाद ही आएगा नंबर तो पॉइंट लगा देंगे टैब वन टेन तो सेवन लिख देंगे ऐसे इसमें करेंगे फाइव पॉइंट जीरो एट जीरो एट क्यों लिखेंगे फाइव तो लिख देंगे पॉइंट लगा देंगे जीरो क्यों लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो हंड्रेड प्लेस का दिया है टेंथ प्लेस का नहीं दिया टाइप टेन का होगा तभी तो हंड्रेड का होगा पहले टेन आएगा फिर हंड्रेड आएगा फिर थाउजेंट आएगा टेन प्लेस पर नहीं दिया इसलिए अपने जीरो लगा दिया इसी इसमें देखो थाउजेंड प्लेस का दिया है हंड्रेड प्लेस का नहीं दिया टेंथ प्लेस का नहीं दिया उसके बदले अपन ने क्या लगा दिया जीरो जीरो लगा दिया अगर हंड्रेड प्लेस और टेंथ प्लेस दे दी तो अपन जीरो जीरो नहीं लगाते देखो इसमें सेवेंटी प्लस सेवन प्लस हंड्रेड हंड्रेड प्लेस पे दिया टेंथ प्लेस पे नहीं दिया सेवेंटी सेवन पॉइंट जीरो सेवन इसी इसमें फोर्टी टू पॉइंट फोर इसमें टेंथ प्लेस दिए आगे दी नहीं है इसमें दिए हंड्रेड डायरेक्ट थाउजेंड प्लेस हंड्रेड और टेंथ प्लेस नहीं दी इसलिए अपन लिखेंगे फिफ्टी सिक्स पॉइंट जीरो जीरो सेवन टेंथ प्लेस और थाउजेंड हंड्रेड प्लेस अपने मन से जीरो जीरो लगा दिया इसी इसमें फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स इसमें करना वैसे ही इसमें करना ठीक है आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट